नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने गई उत्पाद पुलिस की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में जहां एक महिला सिपाही घायल हो गई है, वही पुलिस की दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। घायल महिला सिपाही का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में कराया गया। घटना बरौनी के बथौली चौक की है। घटना के संबंध में उत्पाद विभाग का गाड़ी चलाने वाला चालक विकास कुमार और एक अन्य महिला कर्मी ने बताया कि उत्पाद पुलिस को सूचना मिला था कि बथौली इलाके में शराब बिक्री का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्पाद पुलिस की टीम तीन गाड़ियों से मौके वारदात पर पहुंची और शराब को जब्त करने के साथ साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस बीच तकरीबन 25 से 30 की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और उत्पाद पुलिस की टीम पर हमला बोलते हुए आरोपी को छुड़ाने लगे। इसके साथ साथ हमलावरों ने जब्त शराब को भी छीन लिया। इस दौरान हमलावरों के द्वारा एक और पत्थर से हमला कर दिया गया। इस घटना में जहां कई पुलिसकर्मी आंशिक रूप से घायल हो गए, वहीं एक महिला पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे फौरन बेगूसराय से अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। बताया जा रहा है वाहन पर ईंट पत्थर से पथराव किया गया, जिससे न सिर्फ वाहन क्षतिग्रस्त हो गई बल्कि महिला सिपाही घायल हो गई। वहीं इस मामले में उत्पाद पुलिस की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। मतलब मारने के लिए गए हैं अमरजीत चौधरी के घर में, तो वो लोग मतलब पूरा जो भी 1 GB वो भी बरामद हुआ था उसको लाने भी नहीं दिया हम लोग को, वहीं पे हाथ से ले लिया, छीन लिया और जो आदमी गिरफ्तार किया उसको छुड़ाने के लिए हम लोग का हमला कर दिया। कितने की संख्या में वो लोग थे? 20-25 लोग। क्या सभी धंधेबाज? हाँ, वहाँ पे सब लोग सर यही काम करते हैं। कुछ बरामद हुआ या नहीं? बरामद हुआ है। हमला में क्या क्या पुलिस की नुकसान हुई है, कितने लोग घायल? दो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुआ है और तीन चार जवान मतलब घायल हुए हैं। हमलावर पर क्या कार्रवाई होगी? करें उन लोग पे कार्रवाई। गिरफ्तारी भी है? कहाँ की घटना है? गिरफ्तारी है। घटना कहाँ की? बथौली चौक। छापामारी करने गए थे। बरामद हुआ कुछ किया? ऐसे बनाने वाले को गिरफ्तार करने के बाद लोग जबरदस्ती करने लगा कि नहीं बैठाइए, नहीं देंगे बैठाने। ग्रामीण सब जो है धीरे धीरे मोमेंट बना, उसके बाद सब क्या आदमी घायल हुए? घायल सिपाही को ईटा पत्थर लगा, लेकिन उसको सर में लगने के कारण ब्लड ज़्यादा बहने लगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।